अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ हायर प्रेजेंस स्मार्ट कुकिंग शो विद मी ज़ारा नक़सीद वॉन मसाला टीवी। आज के इस एपिसोड में हम एक थाई चिकन चावल एंड वेजिटेबल की मिक्स्ड रेसिपी बनाना सिखाएंगे। उसका नाम है चिकन मसामान राइस, ठीक है। हम कड़ी पेस्ट भी बनाना सिखाएंगे आपको, फिर उसमें हम वेजिटेबल्स, चिकन, चावल सब कुछ डालेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ज़रा मसाला हमें भूनना है, तो साबुत गर्म मसाला, मिक्स्ड मसाला इसमें डाल के मैं यहाँ फायर के इस हॉब पे इसको भूनने के लिए छोड़ देती हूँ। अच्छा, फिर हमें क्या करना है, हमारी डेट स्क्वायर्स एंड ओट क्रस्ट की रेसिपी जो है उसके लिए मैं 700 ग्राम मैंने खजूर लिए हैं, उसको आपको एक पैन में डालना है बीज निकाल के, ठीक है। और इसमें हमने 1.5 कप पानी डालना है और मेरे पास चीनी है 1/3 कप, वो डाल के इसको हम पकने के लिए छोड़ देते हैं जब तक डेट्स ज़रा थोड़ी सी हमारी सॉफ्ट हो जाए। साबुत गरम मसाला जो है वो ठंडा हो जाएगा, फिर उसको पीसेंगे, फिर हम ये सारी चीज़ें करेंगे। मीनवाइल मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि मेरे पास यहाँ मैदा है 1 3/4 कप, 3/4 कप मक्खन है, ब्राउन शुगर मेरे पास 1 कप है, यहाँ ओट्स हैं 1.5 कप, और ये है मेरे पास बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून और नमक 1 टीस्पून। ये सारी चीज़ें हम मिक्स करके रखेंगे फॉर द क्रस्ट। मसाले में से अच्छी सी खुशबू आ रही है, इसको फिर आप दोबारा इसी बोल में डाल दीजिए। भुना हुआ होगा ना तो बहुत ही अच्छा, सही तरह आप इसको फिर पीस सकेंगे, अच्छा सा इसमें से फ्लेवर अपना निकलेगा। 1.5 कप पानी है, 1/3 कप पिसी हुई सफ़ेद चीनी है, दानेदार चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, खजूर है 700 ग्राम, बीज निकाल के प्लीज़, और हमने इसमें थोड़ा सा एसेंस डालना है, वेनिला एसेंस। एक बड़े बोल में ये जो सारे अज्जा हैं वो मैं मिक्स कर दूँ। देखें, ओट्स है, ठीक है, 1.5 कप, फिर ब्राउन शुगर है 1 कप, फिर थोड़ा सा इसमें नमक जाएगा, फिर हम इसमें डालेंगे मैदा जो कि है 1 3/4 कप, और ये है बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून। सब कुछ आपने मिक्स किया, मुझे 3/4 कप मक्खन डालना है, ये पूरा 1 कप था, सो आई वोंट यूज ऑल, ठीक है जी। आँच को ज़रा हल्का कर दीजिएगा और इसको आप पकने दीजिए। मीनवाइल ये जो ऊपर का क्रस्ट है उसकी सारी चीज़ें अच्छी तरह मिक्स करिए, मक्खन, ब्राउन शुगर, मैदा, नमक, बेकिंग सोडा, ओट्स। मक्खन को इस तरह अंदर कट करिए, इस तरह कट करते जाइए जब तक वो ब्रेड क्रम्स की शक्ल ना इख्तियार करे, और अच्छी तरह मिक्स करिए। ठीक है जी, ये हो गया, इसको हम एक तरफ रख लेते हैं। मीनवाइल यहाँ ये देखें, पूरा पानी भी सूख रहा है इसका, चीनी, वेनिला एसेंस, पानी और खजूर। अच्छा जी, अब जिस डिश में आप इसको बेक करेंगे उसको ले लीजिए। खजूर का चूल्हा मैंने बंद कर दिया है, अब जिसमें हमें बेक करना है ना उसमें मैं 1/2 मिक्सचर डालूंगी और इसको हम इसका हम क्रस्ट बनाएंगे, और फिर बीच में ये पूरा खजूर का मिक्सचर आएगा। आप इसको स्प्रेड कर दीजिए, ठीक है। अब बाकी जो ये क्रस्ट का है पूरा मिक्सचर ऊपर जाएगा, जब आप इसको बेक करेंगे और काटेंगे ना तो पूरा क्रस्ट होगा, नीचे भी ऊपर भी इसका टॉपिंग, और बीच में अंदर फिलिंग है खजूर की,
रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और हमें फ़ीडबैक दीजिएगा। हायर के बिल्ट इन ओवन में मैं इसको बेक करूँगी। आप भी घर लाइएगा हायर का बिल्ट इन ओवन एंड बिकम अ बेकिंग प्रोफेशनल। पूरा कवर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब इसको मैं रख देती हूँ बेक होने के लिए ओवन में। ओके जी, अब हम ऐसा करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, क्लीन अप करते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम मसाला पीसेंगे। हम बना रहे हैं चिकन वेजिटेबल सामान राइस। ठीक है, सो स्टे ट्यून एंड कीप वॉचिंग हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक, आप ब्रेक से वापस आ रहे हैं अब और हम क्या बना रहे हैं, अब हम मसाला बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने याद है मैंने ब्रेक पे जाने से पहले ये साबुत गरम मसाला सारा कुछ मैंने उसको भून लिया था। उसमें मिक्स सब चीज़ें हैं, लौंग, दालचीनी, काली इलायची, छोटी इलायची, तेज़पत्ता, ज़ीरा, एवरीथिंग विल गो इन योर ब्लेंडर। इसमें हम अदरक डालेंगे, अब लहसुन डालेंगे, लेमन ग्रास होगा, ये अदरक, लहसुन, ये लेमन ग्रास, प्याज, और ये मिर्चें हैं, गोल वाली मिर्चें ले लें, छोटी या बड़ी वाली, इस तरह की आपके पास मिर्चें हों। ये थोड़ी सी भिगो के रख दीजिएगा पानी में। ठीक है, ये छोटी वाली मिर्चें हैं, दे आर क्वाइट स्पाइसी, बट इससे बहुत अच्छा स्पाइसी सा टेस्ट आएगा और आपकी कड़ी बहुत स्पाइसी मज़ेदार सी बनेगी। ये है आपका थाई कड़ी पेस्ट जो आप बॉटल्स में खरीदते हैं। नो एडिटिव्स, नो कलर, नो प्रिजर्वेटिव्स। अब आप देखें, अगर आपके पास लाल शिमला मिर्च हो तो वो भी आप इसके साथ पीस लीजिएगा, बहुत अच्छा लाल कलर आएगा। ओके, सबसे पहले मेरे पास यहाँ चिकन ब्रेस्ट फिले है जिस पे हम नमक डालेंगे। ठीक है, और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे, बहुत सारी नहीं बिकॉज उसमें मैंने बहुत सारी मिर्चें डाली हैं। थोड़ा सा तेल, सब्जियों में मैंने आलू लिया है और मटर है, शिमला मिर्च है, गाजर है, लेमन जूस डालेंगे। ये जो है ये एक पूरा सैशे कोकोनट मिल्क पाउडर है, हमेशा पानी में घोल के डालते हैं, ऐसे डायरेक्टली कभी भी नहीं डालते हैं। अगर आप बहुत थिक क्रीमी सी बनाना चाहते हैं तो टिन वाला कोकोनट मिल्क या कोकोनट क्रीम डाल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने सैशे वाला पाउडर लिया हुआ है, बट ये भी बहुत अच्छा होता है इसी तरह। ओके जी, अब ये जो कड़ी पेस्ट है पूरा नहीं जाएगा, इट्स क्वाइट स्पाइसी। आपने गरम करके इसमें से ना थोड़ा सा हम डालेंगे, इसी में से मैं निकाल दूं। इसको पहले आपने पकाना है, फिर इसमें हम चिकन शामिल करेंगे और फिर चावल जाएंगे, आलू जाएगा। इनफैक्ट मैं पहले आलू डाल दूँ चिकन से भी पहले, बिकॉज चिकन ब्रेस्ट फिले है, बहुत जल्दी वो पक जाएगी तो हार्ड हो जाएगी, आलू पहले पक जाएं। जो भी सब्ज़ी आपको लगे टाइम ज़्यादा लेगी उसको पहले डालिएगा। मैं अपनी तरफ से आलू डाल रही हूँ, आई लाइक आलू चावल और चिकन के साथ। इस मसाले को आपको बहुत अच्छी तरह भूनना है, अगर आपको बीज नहीं पसंद उसको छान लीजिएगा। ये वाला मसाला जो है फ्रीज़र में बहुत अच्छा रहता है बहुत अरसे तक। प्याज नहीं ओमिट ऐड करिएगा, प्याज बाद में फिर डालिएगा अगर आप उसको फ्रीज करना चाहते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, अदरक लहसुन फ्रेश लिया था मैंने और लेमन ग्रास भी।
अब मैं पहले आलू डाल दूं। और आलू को हम पकने देते हैं। मीनवाइल चिकन में ही मैं नींबू का छिलका डाल देती हूँ, लेमन जेस्ट, येलो पार्ट आए, वाइट पार्ट नहीं आए। बेबी कॉर्न डाल सकते हैं, मटर, लाल शिमला मिर्च, हरी शिमला मिर्च, वट एवर यू हैव, जो भी आपको डालना हो। मिक्स्ड वेजिटेबल्स की बैग आती है, आप वो खोल के डाल सकते हैं, फ्रोजन वेजिटेबल्स की। इसी को फिर हम इसी का जूस भी निकाल देंगे। डेट स्क्वायर्स विद ओट क्रस्ट बेक हो रहा है, यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, इसको अभी हम नहीं छेड़ेंगे, ठीक है, इसको होने देंगे। थोड़ा सा पानी सो दैट आलू ज़रा जल्दी से गल जाएं, और ढक्कन ढांक देते हैं ताकि आलू को मैंने छोटे से काटे थे। आलू के बाद चिकन जाएगा, ठीक है, फिर सब्जियां जाएंगी, एंड देन जब चिकन हो जाएगा हम चावल डालेंगे, और एंड में हमें कोकोनट मिल्क डालना है। सो कोकोनट मिल्क को जब आप घोलें तो बहुत सारा पानी नहीं डालिएगा, बिकॉज वी डोंट वांट टू मच वाटर इन आर राइस। ये वाली सब्जियाँ तो ऐसे ही भाप में ही पक जाएंगी। अच्छा जी, आलू जैसे ही हो जाएं आपने इसमें चिकन डाल देनी है। चिकन में हमने क्या लगाया था, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक, नींबू का छिलका भी। चिकन ब्रेस्ट फिले है, एक फिले डालें, दो तीन डालें, डिपेंड्स कितना आपको बनाना है, ठीक है। ये हो गया, अब इसको आप ज़रा अच्छी तरह मिक्स कीजिए। इसमें शिमला मिर्च डालिए, गाजर डालिए, और मटर। जैसे पुलाव कैसे बनाते हैं वैसे ही है, चावल चिकन सब्जियां सब कुछ साथ पकाना है आपने। अब आप इसमें ये पूरे चावल शामिल कर दीजिए जो आपने पहले से धो के अच्छी तरह भिगो के रखे थे। और पानी की जगह आप इसमें कोकोनट मिल्क डालिए, और हम इसमें लेमन जूस डालते हैं, और इस चावल को हम पकने के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है, मैंने अभी पूरा कोकोनट मिल्क नहीं डाला है, इफ आई नीड आई एड मोर, अदरवाइज आई वोंट। ओके जी, तो ऐसे करते हैं, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर हम जरा क्लीन अप भी कर चुके होंगे और चावल भी पक चुके होंगे। चिकन को आपने बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, चावल पकेंगे साथ साथ चिकन हो जाएगी, बिकॉज बहुत पतले स्ट्रिप से मैंने काटा है, और डेट्स के स्क्वायर्स जो हैं ओट क्रस्ट के साथ, बीच में फिलिंग डेट्स की है, और नीचे और ऊपर क्रस्ट हमने रखा हुआ है ओट्स का और ये मैदा वगैरह। तो आपको उसको टाइम देना है बेक होने के लिए। सो आई विल सी यू सून इन अ शॉर्ट व्हाइल, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग हायर प्रेजेंस स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला टीवी। जी वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। देखें, यहाँ मैंने चावलों को दम पे रख दिया था, दीज आर डन, ठीक है। सब्जियाँ भी हो गई हैं, चावल भी हो गए हैं, ऑफ कोर्स चिकन भी हो गई है, इसको डिश में निकालते हैं। और जो डेट स्क्वायर्स विथ ओट क्रस्ट हैं वो भी हो गया है, ये कोई ब्राउन नहीं होगा ऊपर से, ये याद रखिएगा, इट विल बी नाइस एंड क्रिस्पी। नीचे का जो बेस है वो भी सेम है, वही चीज़ें हमने ऊपर भी डाली हुई हैं। सो इसी तरह रेसिपीज ट्राई करिएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा। इसको मैं निकाल दूँ। अच्छा, जो स्पाइस लेवल है वो आप अपने हिसाब से रखिएगा, ठीक है, डोंट कीप इट टू स्पाइसी, फिर आप खा नहीं सकेंगे। लेकिन थाई फूड इज़ स्पाइसी, लेकिन मैंने ज़रा अपनी तरफ से इसमें आलू डाला है, थाई फूड में आलू नहीं डलता है। मसामान, राइस, सब्जियों के साथ चिकन, और वही थाई कड़ी पेस्ट जो आप लोग खरीदते हैं मार्केट से। अगर आप ग्रीन बनाना चाहें तो आप ग्रीन थाई कड़ी पेस्ट भी बना सकते हैं।
चलिए जी। ओके जी, जब तक मैं इसको निकालती हूँ अवन में से, आप लोग जाइए देखिए रेसिपी रिकैप। आज की दोनों रेसिपीज जो हमने बनाई हैं ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। डेट स्क्वायर्स विद ओट क्रस्ट, अज्जा मक्खन 3/4 कप, ब्राउन शुगर 1 कप, मैदा 1/3 कप, नमक 1 चाय का चम्मच, सोडा 1/2 चाय का चम्मच, ओट्स 1.5 कप, फिलिंग के अज्जा, कटी खजूर 700 ग्राम, चीनी 1/3 कप, पानी 1.5 कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच। तरकीब, एक पैन में 1/3 कप चीनी, खजूर, पानी और वनीला एसेंस डाल के उबाल लें। अब आँच धीमी करके 10 मिनट दम दें और निकाल कर वनीला एसेंस शामिल करके स्टर कर लें और ठंडा करके क्रस्ट बनाएं। अब मक्खन और ब्राउन शुगर फेंट लें, फिर इसमें मैदा, नमक, सोडा और ओट्स मिक्स कर लें। उसके बाद क्रस्ट पर फिलिंग डालें और 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म ओवन में 25 मिनट बेक करके निकालें और सर्व कर दें। चिकन मसामन राइस, अज्जा, चावल 1.5 कप, चिकन ब्रेस्ट 1 अदद, नमक हसब ज़ायका, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, सब्जियां 3/4 कप, बारीक कटी प्याज 1 अदद, लीमू का रस 2 खाने के चम्मच, कद्दूकश लीमू का छिलका 1 अदद, नमक हसब ज़ायका, कोकोनट मिल्क 1 कप, तेल 3 खाने के चम्मचे। करी पेस्ट बनाने के लिए सूखी लाल मिर्च 10 अदद, धनिया 2 चाय के चम्मचे, जीरा 2 चाय के चम्मचे, काली मिर्च 15 अदद, लौंग 5 अदद, इलायची 1 अदद, दालचीनी 1 टुकड़ा, बादियान 1 अदद, जावित्री 1 अदद, प्याज 1 अदद, लहसुन 8 से 10 चवे, अदरक 1 इंच का टुकड़ा, लेमन ग्रास 1 डंडी। तरकीब, 1 अदद स्ट्रिप में कटे चिकन ब्रेस्ट पर हसबे ज़ायका नमक और 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च छिड़की और एक तरफ रख दें। फिर 10 अदद खुश्क लाल मिर्च, 2 चाय के चम्मचे धनिया, 2 चाय के चम्मचे जीरा, 15 अदद काली मिर्च, 5 अदद लौंग, 1 अदद इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी, 1 अदद बादियान का फूल और 1 अदद जावित्री को हल्का सा भून लें। फिर भुने हुए अज्जा को 1 अदद प्याज, 8 से 10 चवे लहसुन, 1 इंच का टुकड़ा अदरक, हसबे ज़ायका नमक और 1 डंडी लेमन ग्रास के साथ ग्राइंडर में डालकर पीस लें। फिर एक पैन में 3 खाने के चम्मचे तेल गर्म करें और करी पेस्ट शामिल करके फ्लेवर आने तक फ्राई करें। फिर इसमें 1 अदद स्ट्रिप्स में कटा चिकन ब्रेस्ट, 3/4 कप सब्जियाँ, 1.5 कप चावल और हसबे ज़ायका नमक शामिल करके 2 मिनट दरमियानी आँच पर सौते करें। अब इसमें 1 कप गाढ़ा कोकोनट मिल्क शामिल करें और ढककर तैयार होने तक पकाएं। फिर ढक्कन हटाकर 2 खाने के चम्मचे लीमू का रस और 1 अदद कद्दूकश लीमू का छिलका शामिल करके दोबारा ढकें और सर्विंग से पहले तक दम दे दें। ओके जी, आई होप आपने रेसिपी रिकैप नोट किया होगा। आज हमने चिकन मसामान राइस बनाया था थाई स्टाइल विद चिकन एंड सब्जियाँ, और जो कड़ी पेस्ट बनाना सिखाया है वो ज़रूर बनाइएगा, ट्राई करिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। और डेट के फिलिंग के साथ ओट क्रस्ट जो है वो भी डेट स्क्वायर्स ज़रूर ट्राई करिएगा। ठंडा होगा तो आप स्क्वायर्स में काटेंगे, बीच में जो फिलिंग है वो डेट्स का है, ऊपर और नीचे क्रस्ट है इसका, ठीक है जी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि हायर का LED है, 4K स्मार्ट है, रियल एंड्रॉयड LED विद गूगल सर्टिफिकेशन, फुल 4K रेजोल्यूशन है, फुल इसकी मेटल फ्रेम है, इसके अलावा ब्लूटूथ रिमोट से भी कंट्रोल हो सकता है, गूगल असिस्टेंट एंड क्रोम कास्ट, और बिल्ट इन 30 वाट का स्पीकर है। सो आई होप जब आप कोई अप्लायंसेस अपने घर के लिए ढूंढ रहे हों मार्केट में तो हायर के अप्लायंसेस आप ज़रूर खरीदिएगा। चलिए जी, अब दिस एपिसोड एंड्स, अब मेरी और आपकी मुलाकात होगी एक और एपिसोड में, तो देखना मत भूलिएगा हायर प्रेजेंट स्मार्ट कुकिंग शो ऑन मसाला TV विथ मी ज़ारनक सिद्वा। अब दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।